जय हिंद, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का थियरी बता दिया था, अब हमें उसका एमसीक्यू देखना है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि 50 क्वेश्चन होंगे तो 50 के 50 आप सही करेंगे, क्योंकि कुछ भी अलग से नया नहीं होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सड़कें कैसी थी? तो ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। हमने कहा था कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर ब्रेक करती थी। हड़प्पा किसके किनारे था? रावी। और मोहनजोदाड़ो? इंडस। कैसा था? पिक्टोग्राफिक, भावचित्रात्मक। विच वॉज वॉज द ओनली सिटी ऑफ इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन? बताओ, बना रखा। मैंने कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे शहर कवर थे, फोर्टिफाइड थे, सिटाडेल था, किलाकृत थे, एक शहर था जहां पे नहीं था, तो कौन सा? चानुदड़ो। ठीक। बी ग्रेनरी। कहां पे था ये? मोहनजोदाड़ो में। साइज आपको देखना हो तो देख लीजिए, ग्रेनरी का साइज ये है और बाथरूम का साइज ये है। जैसे उस दिन बोले थे ना कि लुसेंट में कुछ और दिया हुआ है, तो साइज लिख लेंगे तो इशू नहीं रहेगा। मोहनजोदाड़ो। इंडस वैली सिविलाइजेशन मदर गॉडेस। सभी हैं तो इसको हटाइए क्वेश्चन को। नहीं, एट अ प्लेस कार्ल लोथल आर्टिफिशियल डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच सिविलाइजेशन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया, ये इस सेंस में हो सकता है कि व्यापार कहां से करते थे या किस देश के लिए करते थे, तो इस सेंस में हो सकता है। हमने कहा था टाइम पीरियड कोई सा भी हो, ऑक्यूपेशन हमेशा एग्रीकल्चर ही रहा, तब भी आज भी। हमने इतनी बार बोला था कि बैल मिला है गाय नहीं मिली, बैल मिला है गाय नहीं मिली। ए के साथ कितने लोग हैं? ए के साथ नहीं। ठीक। बी के साथ? ठीक। तो मैं हूं तो इतना पिटा जाओगे? हाँ, नाम ही तो पूछ रहा है। ये पूछता खोजा किसने था? रामसानी। तो वही तो होता है एग्जाम, वही तो एग्जाम में होता है। और आदमी तीन बार पढ़ता है, तीनों बार उसी से पढ़ रहा होता है। उन्नीस सौ 21। अभी पढ़े थे 2 मिनट पहले। चावल की जानकारी नहीं है, अपर लेयर पे थोड़ा बहुत मिला है। मेन उनका गेहूं और जो ही चल रहा था, है ना? हाँ,
हाँ मैंने यही कहा कि अपर लेयर से कहीं मिला है, ये पूछा था कहाँ से मिला तो मेहरगढ़ करेंगे, लेकिन ये पूछा कि मैं क्या ये फिक्स है कि उनको जानकारी थी, जवाब है नहीं। जबकि हमने पढ़ाया था कि घोड़े की हड्डी अश्वत्थका गैंडोर से मिल। अच्छा अभी भारत में वर्किंग सबसे ओल्डेस्ट सीपोर्ट कौन सा है? नहीं, वो लोथल अब वर्क कहाँ कर रहा है? कोलकाता, कोलकाता सीपोर्ट, चेन्नई डीपेस्ट। जब सभ्यता ब्रॉन्ज है तो ऑटोमेटिक सब कुछ मिलेगा ही ब्रॉन्ज के। लोहे की जानकारी नहीं है ना, लेटर वैदिक पीरियड में आके हमें लोहे की जानकारी। बेसिकली हमें आइडिया है नहीं कि किस चीज का था ना, ले हमने एज्यूम किया कि वो लोग व्यापारी थे, तो व्यापारी वाले में ऐसा ही होगा कि डेमोक्रेटिक वैल्यू होगा, लेकिन कोई सिस्टम प्रॉपर दिखाई नहीं दिया है, तो यूनिटरी ये अनुमान के बेस पे है, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा है तो हमें मानना पड़ेगा, इनके हिसाब के एग्जाम में आता है तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं हम। ठीक, कई बार हम इसको किंग प्रिस्ट भी कहते हैं, राजा या पुजारी की मूर्ति, जो नहीं उस दिन फोटो दिखाया था टूटा हुआ था। सर दो मार्शल हैं, जॉन वर्ड मार्शल। अब ये थोड़े फालतू क्वेश्चन चल रहे हैं, ये छोड़ दो। हाँ पक्का, लंगसार का मतलब बता देता हूँ, इंडस्ट्रियल प्लेस, चांदनी दौड़। हमने आपको बताया था कि वहां बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। बनावली? नहीं, रोपड़ कहाँ? पंजाब में। ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं पता हो तो लिख लेना। गुजरात मार दीजिए, कॉटन तब भी था आज भी। मैनचेस्टर सूती कपड़ों के लिए फेमस है।
पनावली हाँ बताइए क्या होगा इसके अंदर से। ऑल ऑफ द एबव, ये बेसिकली ऐसा ही टेस्ट आएगा कल, ताकि हम आपको कंटेंट दे पा रहे हो। बस हम कई बार क्या कर देंगे, नहीं लिख देंगे सब में, या कुछ में नहीं लिख देंगे, तो ये चीज नहीं सोचेगा सब में ऑल ऑफ दीजिए भी होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, तो जिनको नहीं पता वो याद कर सकते हैं कि हमें हड़प्पा से ये चीज मिली थी। हाँ? तो हमें आकृति में दिखाई दिया कि ऐसा जैन गुरुओं के तरीके से उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो हमने एज्यूम क्या किए, जैन गुरुओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आप जो कह रहे हो वो सही बात है, लेकिन आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है जो जैन के पहले गुरु हैं उनका नाम ऋषभदेव। वो भी आएगा क्वेश्चन जब जैन पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली हुआ ये है कि जो वेद लिखे गए हैं या जो इस तरीके साहित्य, वो कब लिखे, गुप्ता पीरियड में लिखे गए, क्योंकि उस समय तो श्रुत श्रुत चलता था, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन तीसरे, लिखा तो बाद में गया। हाँ, जो जिसको चारों वेद आ गए चतुर्वेदी हो गए, जिसको तीन वेद आया याद हुआ त्रिवेदी, जिसको दो हुआ द्विवेदी, और जिसको एक हुआ वैदिक, वो हम लोग। रोपड़ पंजाब, ये मैंने बताया था उस दिन। बताया था उस दिन लोथल, हरियाणा इशार, बीड समझते हैं ना, मन का जो उस दिन बताया था, कालीबंगा या चानू दड़ो, चानू दड़ो उस दिन हमने बताया था, ये चालू दौड़ो में इंडस्ट्रियल प्लेस है, मन के बनाते हैं। अभी बताया था थोड़ी देर पहले मोहनजोदाड़ो में, यही है। अच्छा, ये एक भी मेरा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रख लेना, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या चल रहा है, कहाँ से क्या पाएगा, कहाँ से क्या पाएगा, यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो इसलिए जब पढ़ रहे हूँ तो ये पढ़ना जरूरी है लूसेंट या नोट्स में। क्वेश्चन का पर्पज बस आपको ये दिखाना है कि आपको पता चले, अब तो ये आपने देख ही लिया, ये हमने उस दिन लिखवाया था कि याद करिएगा किसने क्या कहा। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन SSC का ही, कि किसने कहा कि आर्यों के आक्रमण के कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो गया, पिकर्ट और चाइल्ड ने। नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण इन्होंने हेल्थ ने कहा, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप कर पाए, असंभव है लेकिन ये हम उम्मीद करेंगे। पापा क्या कहते हैं ये याद ही नहीं होता है, तो ये कहां से याद रहेगा किसने क्या कहा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो। एक ही था दो के आठ, तो लोथल, जहां पे नहीं मिला ऐसा पूछा गया, आलमगीरपुर बोल रहे हैं, ठीक, यूपी। यूपी मेरठ, हाँ जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट यही तो था। तो ये आपने क्या किया, धौलावीरा, सबसे ज्यादा जल की सुविधा वाले जगह,
वैदिक वाला भी पढ़ाया नहीं है तो अभी इसको शुरू नहीं करेंगे। अब हम वैदिक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। थियरी, आप लोग का ये ठीक से चल पाए इसी के लिए इस वीक रिवीजन किया गया है, नहीं तो आज तक रिवीजन हुआ नहीं था। इस चैप्टर में भी दो तीन चीज ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा किसका ब्राह्मण है, अभी सिखाएंगे ब्राह्मण किसका का मतलब क्या होता है, क्या स्टेटमेंट ऋग्वेद के बारे में या वैदिक के बारे में सही है गलत है, और कौन सा वेद किस चीज के लिए फेमस है। लेकिन हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। ऐसा बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यों के आक्रमण के कारण समाप्त होना पड़ा। आर्यंस कौन थे? जो दूसरे देशों से आए थे, चारागाही के लिए आए थे। इनका पर्पज भारत में या इस हिस्से में आना पशुओं का चारा उपलब्ध कराना था, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में रहते थे तो वहाँ बर्फ जम जाता था तो चारा उपलब्ध नहीं हो पाता था। तो ये वैदिक पीरियड को हम दो फेज में बांट के चलते हैं, एक ऋग्वैदिक फेज 1500 टू 1000 बीसी और ये 1000 बीसी टू 600 बीसी, जब तक बुद्ध आएंगे तब तक। ये वो पीरियड है जहां पर मेन ऋग्वेद है और बाकी वेद यहां पर बनाए गए। यहां पर लगभग लोहे की खोज नहीं हुई है, 800 बीसी के आसपास आके लोहे की खोज होगी और वहीं से काफी तेजी से ग्रोथ शुरू हो जाएगा। देख लेते हैं, ये वो हिस्सा है जब वो आए हैं। तो बार बार एक क्वेश्चन आता है कि आर्य पहली बार आए तो कहाँ बसे, आर्य पहली बार आए तो कहाँ बसे, पंजाब वाले हिस्से में, पंचनद वाले हिस्से में, ये ध्यान रखना है। इसी को उल्टा भी पूछता है कि वेद कहाँ लिखे गए, पंजाब में, जहां रहेंगे वही जो लिखेंगे। ये हमने बता ही दिया, पशुपालक थे और पशु चारे की तलाश में आए थे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है कि कहां से आए हैं। मैक्सिमम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हाँ हम बाहर से ही आए हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि जो हमारा कलर है बॉडी का वो इस कलर का नहीं होना चाहिए, ये ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि हम कौन से क्लाइमेट में है, ट्रॉपिकल जोन में है, ट्रॉपिकल जोन में टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा होता है तो वहाँ स्किन का कलर ऐसा नहीं हो सकता। तो ये साबित होता है कि हम ज्योग्राफिकली हम कहीं और से माइग्रेटेड हैं। हमने कहा था कि जो यहाँ के ओरिजिनल हैं वो लोग कौन से हैं, आर्यन से। हाँ, इनका आता है बार बार कि किसने कहा कि वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, तो मैक्स मूलर ने कहा है। और पहली बार कहां पर आके, पंचनद या सब सिंधु वाले हिस्से में, जिसको आज पंजाब कह रहे। हाँ, ये यदि आप याद कर पाए तो हमारा ये क्वेश्चन लगभग तैयार हो सकता है कि मैक्स मुलर कहां से कह रहे हैं, सेंट्रल एशिया, दयानंद सरस्वती तिब्बत, मोयर कह रहे हैं पामिर प्लेटू, इन्हीं दोनों का जनरली आता है, और फोल्ड कह रहे हैं तुर्किस्तान, जेसी रोड बैक्टीरिया, और लोकमान्य तिलक आर्कटिक रीजन, इनका भी देख लेंगे। ये तीन देख लेंगे तो भी हमारा बन सकता है। लुसेंट में भी दिया होगा, कोई भी एक बेसिक बुक आपके पास होगी तो उसमें होगा, नहीं होगा तो लिखते चलेंगे साथ के साथ, है नहीं तो लिख देंगे। क्लास बायलिंगुअल होती है, टीचर सारे एक्सपीरियंस्ड होंगे। सर गुरुकुल एट होम परचेज करना है, कैसे करें? वेबसाइट से परचेज कर लें या ऐप डाउनलोड करके? फाउंडेशन बैच में टेस्ट सीरीज होगी क्या? फाउंडेशन बैच में शुरू में वीक में एक दिन होगा, दो तीन महीने बाद फिर डेली होने लगता है। चलें, सर टेस्ट का पेपर अपलोड करवा दीजिएगा, 11 बजे तक सारा अपलोड हो जाएगा कल का। आर आर प्रणाम गुरुजी, खुश रहिए आर आर भाई।
डेली पढ़िए। टीचर कौन कौन से? क्लास इंग्लिश में होगी, क्लास बाइलिंगुअल होगी। चले अच्छा, आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ, सुपीरियर, ऐसा कहते हैं। कोई जब भी हम अपने बारे में कहेंगे तो अपने आप को सुपीरियर ही बताएंगे। जैसे आप इंग्लिश में सर्च करोगे ब्रिटिश का मतलब क्या है, तो ब्रिटिश का मतलब ही सुपीरियर है, क्योंकि उन्होंने डिक्शनरी बनाई। और उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंडियन का मतलब देखोगे तो मूर्ख, बर्डन, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पे बोझ है, तो उन्होंने लिखा है। हम लिखते तो कुछ और लिखते, तो वो उनके हिस्से में था इसलिए उन्होंने लिख दिया। तो ऐसे आर्यंस ने भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित किया। अब देखो ये हमारे लिए आजकल इम्पोर्टेंट हो गया टीसीएस के आने के बाद, कि श्रुत साहित्य में कौन से आते हैं, स्मृति साहित्य में कौन से आते हैं। तो श्रुत में चार आते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। स्मृति में बाकी आते हैं, जैसे इस बार पूछा था वेदांग पुराण है ना, छह वेदांग कौन कौन से हैं, किसने क्या कहा, किसने लिखा, किसने दिया, इस तरीके से। वेद क्या होते हैं तो आप जान ही रहे हैं, है ना। वेद ईश्वर के वाक्य हैं, ईश्वर ने अपने विचारों को हमारे आप तक पहुंचाया है, तो कुछ लोगों ने उसको लिखा ताकि हमें आपको पता चले हमें जीवन कैसे चलाना है, आइडियल स्थिति क्या होनी चाहिए। लेकिन वेद किस में थे? पोएट्री के फॉर्म में, तो अधिकांश लोगों को समझ नहीं आए, तो उसके लिए क्या बनाए गए? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कैसे होंगे? प्रोज के फॉर्म में, गद्य के फॉर्म में। क्लियर है? ब्राह्मण यहाँ जाति नहीं है, ब्राह्मण यहाँ लिटरेचर है। किसके लिए? वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर है? अब मित्रों अरण्यक, कुछ लोग पढ़ा होगा कि 25 साल जाके ऐसे पढ़ाई करनी थी, फिर बाकी 25 साल पे आके शादी विवाह करके गृहस्थ आश्रम चलाना था, फिर 75 कुछ समय के लिए जंगल में जाके अपने जीवन को काटना था ताकि परिवार पे बर्डन ना पड़े, जैसे आजकल ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, तब वहां भेज देते। तो वो है अरण्यक, जो वनों में जाके लिखे गए साहित्य, जिसमें हमने आपने अपने जीवन के एक्सपीरियंस। ध्यान से देखो, जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है वैसे आपको जीवन का देखने का नजरिया बदल रहा है, एक्सप्लेन करने का तरीका बदल रहा है। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति जब 40 वाले से 50 वाले एज में आता है तो बिल्कुल कहीं हो चुका होता है, मतलब उसका इमोशन लेस हो जाएगा, स्वार्थी टाइप का हो जाएगा। और ऐसा आरोप है कि वो वैसा ही बनता है जैसे उसके इंसेस्टर्स बनते हैं, जैसे फैमिली होती है। अभी हम और आप थोड़े से दूसरे से प्रभावित हो सकते हैं, तो हम उस पर अभी आने के बजाय, अरण्य क्या है? जीवन के अनुभव। उपनिषद क्या है? गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान प्राप्त किया गया है उसको जो लिखा गया, दैट इज उपनिषद। उपनिषद ही पहले साहित्य हैं जिन्होंने वेदों का विरोध किया, मतलब वेद ने कहा यज्ञ करो दुख दूर हो जाएगा, पूजा करो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इन्होंने कहा ऐसा होता तो प्रॉब्लम आती ही नहीं, क्योंकि हर कोई पूजा करता है, हर कोई पॉजिटिव सोच रखता है। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो आजकल संत महात्मा जितने लॉजिकल बात देते हैं आज के टाइम में, टीवी पे देखो वो सारा का सारा उपनिषद के ही विचार बता रहे होते हैं। महात्मा बुद्ध को पैदा करने वाला कोई है तो उपनिषद ही है, जिन्होंने पहली बार वेदों का विरोध किया, ये समझाने में सफल रहे कि सिर्फ पूजा पाठ करने से जीवन सफल नहीं होगा। तो उपनिषद क्या हो गया? श्रुत का आखिरी पार्ट। तो ऐसे भी पूछता है कि वैदिक साहित्य का आखिरी पार्ट कौन सा है, तो उपनिषद है, क्योंकि वैदिक साहित्य में मेनली आता है श्रुत। अब आता है स्मृति, इसमें क्या है? वेदांग है, सत्रसना है, पुराण है, इतिहास है, उपवेद है, तंत्रास है, तंत्र है, आगम, आगम अलग जैन लिटरेचर है, उपागम भी जैन लिटरेचर है, लेकिन ये भी हमारे स्मृति का पार्ट है। वेद, हाँ, स्मृति का मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हम लेके गए। इसमें वेदास, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ये हमने बताए दिए। फिलोसफी देखो कहीं था क्या? फिलोसफी दोनों हो सकता है, यदि मान लो इसमें चूज करना हो, वैसे तो मुश्किल है आपका इस प्रश्न का, क्योंकि दोनों में से किसी में नहीं था, लेकिन मान लो चूज करना ही हो तो स्मृति में लेके जाएंगे, क्योंकि अभी स्मृति का मतलब आपको समझ में आएगा।
that which have been memorized, supplementary, which may be changed by time. यानी अपनी सुविधा से कई बार हम इसमें चेंज कर देते हैं, दैट इज स्मृति. तो इसमें कौन सा वेदांग, छः हैं, अभी आएगा, हर बार एक पूछ ही रहा है एग्जाम में, इस बार भी सीजीएल में रहा है, प्री वाले में. एपिक जानती हैं, पुराण कितने पुराने हैं हमारे पास, 18, ठीक. उपवेद ये ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन रह रहे हैं. आयुर्वेद किसे, मेडिसिन से रिलेटेड, धनुर्वेद किसे, आर्चरी से, गंधर्ववेद म्यूजिक डांस, मीनिंग से भी समझ जाएंगे आप. और क्या है, शस्त्र शास्त्र, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, शास्त्र है ना, और शस्त्र, तो ये क्या है, शस्त्र शास्त्र है. और वेद में पूछ लें किससे, अथर्ववेद, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. आयुर्वेद आप जानते हैं, धनुर्वेद समझ रहे हैं, गंधर्व वेद समझ रहे हैं, वेदास. ये आता है यहां से, ऋग्वेद में हमने क्या, ईश्वर के पूजा पाठ से रिलेटेड, प्रेज ऑफ गॉड्स. सामवेद में हम किसके बारे में, म्यूजिक. यजुर्वेद में हम तंत्र के तरीके, पूजा पाठ के तरीके, ईश्वर के पूजा करने का, पूजा का तरीका क्या हो, किस तरीके से हम वर्शिप करें ताकि हम उनको खुश कर पाए. और अथर्ववेद जो सबसे बाद में है, हाँ, वेद को हमने क्या कहा, अपरुषेय, यानी जिसे परोसा नहीं जा सकता हो, जिसे खुद क्रिएट नहीं किया जा सकता हो. तो खुद क्रिएट नहीं किया तो किसने किया, ईश्वर ने. मजे वाली बात क्या है, किसी भी धर्म में जाएंगे, सभी धर्मों ने यही कहा कि ये अल्लाह ने दिया, ये यीशु मसीह ने दिया, ये हमारे भगवान ने दिया, और ये सम्मान होना चाहिए. इसी बात को लेकर के हम और आप नाराज रहते हैं कि हमारे वेद को या इसको क्यों गलत कहा गया. त्रिवेद में कौन आएगा, तो आप समझ ही रहे हैं, जो चौथा होगा वो नहीं आएगा. तो चौथा कौन था, अथर्ववेद, ठीक. हाँ, ओल्डेस्ट वेद पूछ लें, ऋग्वेद. लार्जेस्ट वेद पूछ लें, ऋग्वेद. कितने हाइमंस हैं, 1028. कितने चैप्टर हैं, 10. सबसे नया कौन सा है, 1 और 10. उसमें भी आ जाए 1, 9 और 10, ये 3 सबसे नए माने थे. सबसे पुराने कौन से हैं, 2 और 7. उसके बाद वाला कौन सा है, 8. और ये तो प्रश्न के ऐसे पर कैसे पता चलता है, तो देखा गया कि 10वें में, 9वें में, 1वें में वे बातें कहेंगे जो बाद में लागू की गई होंगी. तो शुरू में वैदिक समाज कैसा है, आइडियल समाज है, अभी देखेंगे आप. हाँ, सबसे ज्यादा किसको सम्मान दिया गया है ऋग्वेद में, इंद्र को. इंद्र यहां है नहीं, हाँ, मंडल कहा गया है ना चैप्टर्स को, तो 10 मंडल है. तो किस मंडल में क्या है, थोड़ा वो देख लेंगे. गायत्री मंत्र कहाँ पे है, 3 में. गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य, भगवान सूर्य को, सविता देव दैट इज सूर्य, कोई गायत्री को नहीं है. फर्स्ट एंड टेंथ आर यंगेस्ट है ना, सेकेंड टू सेवेंथ आर ओल्डेस्ट, जो भी मैं बता रहा था. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में पहला हाइमन किसको समर्पित है, अग्नि को समर्पित है, पहला वर्ड ही. 10वें मंडल में किसके बारे में है, पुरुष सूक्त. ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन. पुरुष सूक्त क्या साबित करता है कि जो ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, मुख से. इसलिए उसके द्वारा जो भी बात कही गई वो सबको मानना होगा, भुजाओं से, छतरी से, तो ये हमारी रक्षा करेंगे. उधर से वैश्य की, तो यही समाज को पालेंगे, यही टैक्स देंगे. और शूद्र की, पैरों से. तो ये डिवीजन है, यही समाज की जिम्मेदारी उठाएंगे. ये
ये डिवीजन ये साबित करता है कि बाद में जोड़ा गया है, इसलिए हमने कहा ये शुरू में नहीं हो सकता ये मंडल, क्योंकि शुरू में तो समाज समान था, बाद में हमने आपने अपनी सुविधाओं से जोड़ना शुरू किया कि भाई तुम यहां रहो, तुम यहां रहो, तुम यहां रहो। हाँ, बाद में हमने जाति के आधार पर कर दिया। तो कुछ फायदा है जाति वाले का? नहीं, कुछ फायदा बताओ थोड़ा लॉजिकल, कि हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ सोच के किया होगा? नहीं, कोटा तो बाद में है। नहीं, हम जो भी बात करेंगे लॉजिकल करेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसे किसी को बुरा लगे या इलॉजिकल हो। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था, सोच के क्यों बनाया गया था वो समझना है कि यदि मैं कुम्हार का पुत्र हूं तो मैं बचपन से ही अपनी कुम्हारी को सीख रहा हूँ, तो मैं एक खास एज पे मेरे अंदर एक बेहतर स्किल आएगी और जिससे मैं समाज को हेल्प कर पाऊंगा, मेरा अर्निंग का साधन होगा, ये सोच के बनाया गया था। लेकिन बाद में हमने रिजिडिटी डाल दी कि तुम कुम्हार तो कुम्हार ही रहोगे, भले मैं नहीं पसंद कर रहा हूँ, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। करना ना, तुम्हारा काम ही कुम्हार करना था, तुम वो करोगे। वहाँ प्रॉब्लम आ गई। आपके घर में यदि बिजनेस होता हो तो आप खुद देखो, आप धीरे धीरे सीख रहे हो कि ऐसे करने से ठीक रहता है, ऐसे नहीं करने से ठीक रहता है। एक एक बच्चे 8-8 साल का जो दुकान में बैठ रहा है सुबह से शाम तक, उसको समझ में आ गया कैसे क्या बोलना है। नेता के घर में पैदा हुए तो राहुल गांधी भी नेता बन गए। तो वो चीज हम सीख रहे हैं। तो सोच ये थी, बस रिजिडिटी आ गई, वो प्रॉब्लम है। जन्म के आधार पर विभाजन गलत था ही नहीं, लेकिन जब वो हमने लिमिट कर दिया, बाद में आप देखोगे इसी में लिखे मिलेगा कि मेरी माता दूसरे घरों में बर्तन मांजती है, मेरे पिता कुम्हार का काम करते हैं और मैं ब्राह्मण का कार्य करता हूँ। तो इतना बेहतर समाज था, जैसे आज हम कोशिश कर रहे हैं समाज को, यदि कोई गरीब परिवार या इकोनॉमी गरीब है तो EWS ले लो, कास्ट वाइज दिक्कत हुआ है तो तुमको रिजर्वेशन दे के आगे निकाल देंगे। तो पर्पज ये था, लेकिन ये शुरुआत का हुई है तो हमने पुरुष सूक्त में किया। ये भी अभी क्वेश्चन में आ गया, नसदिया सूक्त किसके बारे में बात करता है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यही क्वेश्चन था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जिक्र कहाँ किया गया है? नसदिया सूक्त में किया गया है। और किस मंडल में है ये? 10th मंडल में। तो ये आपको जानना चाहिए, नहीं है लिखा है लूसेंट में तो लिख लेना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हमने उठाया कहाँ से? NCERT से। और वो पूरा का पूरा NCERT पढ़ा रहे, पूछ रहे हैं। तो मैं और आप NCERT नहीं पढ़ सकते, ले हाँ NCERT के लिए हम जो काम का वो हम बीच बीच में आपको देते रहेंगे। तो ये दो सूक्त याद होना चाहिए, पुरुष सूक्त तो दिया हुआ है लुसेंट में, नसदिया सूक्त नहीं दिया हुआ। हाँ, मंडल 9 किसको समर्पित है? सोमदेव को। सोम कौन है? किसके देवता माने जाते हैं? आज भी आप खुश होते हैं तो क्या लेना चाहते हैं? सोमरस। दुखी जाते हैं तो क्या लेना चाहते हैं? सोमरस। दुख में सुख में फेल होगा यार पीना पड़ेगा, पास होगा चलो पीते हैं ये। और दिक्कत क्या हुआ, सोसाइटी ने इसको हमारे सोशल पर्सनालिटी से जोड़ लिया, मतलब एज वाइज कि नहीं पी रहे हैं तो हम स्टाइलिस्ट नहीं है। खैर, ये हम बता दिए 9वां मंडल सोम को और नसदिया सूक्त और पुरुष सूक्त। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? तो 10वां मंडल। सबसे छोटा भी दिख रहा है क्या, जिससे सबसे कम आयु मन है? सेकेंड है क्या? सेकेंड है, ठीक। हालांकि पहले और 10वें में सेम ही है, 191 आयु मन। नहीं तो यंगेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है, तो दोनों सेम है, ये याद होना चाहिए। कितने हैं ये तो नहीं, लेकिन टोटल कितने हैं 1028, ये याद होना चाहिए। मंडल कितने हैं ये याद होने चाहिए। हाँ, यहां से खूब क्वेश्चन है। कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशित की। सामवेद के सांडविश, मंत्र और द्वैत। और यजुर्वेद के सतपथ और तैत्रेय। अथर्ववेद के गोपथ। सबसे बड़ा ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण।
लुसेंट में है ये, मतलब जिस भी बुक में जाएंगे ब्राह्मण दिया हुआ है तो आपको रटना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण का मतलब मैं समझा चुका हूँ कि ब्राह्मण का मतलब एक प्रोज लिटरेचर फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास, वेदों को व्याख्या करने के लिए लाए गए। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस रिवर को का जिक्र किया गया है? पवित्र नदी है, हाँ सरस्वती, सबसे ज्यादा सरस्वती का नहीं अभी देवता ने। एक तो ये आता है कि पुरुषनी नदी का नया नाम क्या है, तो आप बताते हैं रावी नदी, और एक आता है सुतुद्री, सुतुद्री का सतलज, गोमल का गोमती, कुरम का कोरम, और ये तो कर लेंगे घग्गर, हाँ जो अलग है थोड़ा वो याद रखना है, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चेनाब, पुरुषनी, रावी, ये भी दिया हुआ आपके बुक में, ये याद होना चाहिए, खूब आया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। साथ के साथ मार्क करेंगे, कल आपका वैसे है ऋग्वेदिक लिटरेचर का टारगेट, आज था कल है, तो मैं आज करा रहा हूँ, फिर आप अपने से पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तब जाके आपका ये लूसेंट को 5-6 बार जब कर लेंगे ना, तब आपका भरोसा जमेगा। आप सोचिए एक बार में जिए सुझे, और मजे वाली क्या बात है इस बुक की, 5 बार पढ़ेंगे तो 5ों बार कुछ नया फैक्ट मिलेगा, मतलब पहली बार पढ़ते समय आप उतनी गहराई में नहीं पहुंच पाते, दम लगेगा पहली बार, दूसरी बार आपको धीरे धीरे याद हो जाए किस पेज पे कहाँ है, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, फिर जहाँ जैसे MCQ देखेंगे दिक्कत आएगी, पलटते रहेंगे आपको याद होता चला जाएगा। लुसेंट क्या है? NCERT, इसलिए इतना पॉपुलर हुआ है। आयुर्वेद इसमें कोई जरूरत नहीं, बस किस लिए फेमस था ये देख लेना। हाँ एकमात्र वेद जो प्रोज और पोएट्री दोनों में है यजुर्वेद, ये बात याद रखना है। जनरली वेद किस में है? पोएट्री में, लेकिन ये एकमात्र जो दोनों में है यजुर्वेद, ये भी लुसेंट में। ब्राह्मण्स समवेद, हाँ एक चीज ये भी आता है कि इसको पढ़ने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो जैसे हमने कहा कि इसके पढ़ने वाले लोगों को यहाँ पे अर्धवायु, ये ध्यान रखना है, ये है लुसेंट में। हाँ अरे मैंने खुद ही 50 बार पढ़ी होगी लुसेंट। सामवेद वाले को उद्गात्री, ये याद होना चाहिए, ये आ रहे हैं क्वेश्चन, टीचर्स ने टच किए हैं ये क्वेश्चन। जमनी ब्राह्मण, सांडविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद, जादू टोना है ना, इस तरीके की चीजें अथर्ववेद में, मेडिकल अथर्वा कहते हैं, होगा इसमें कहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, अथर्वा कहते हैं। हाँ मुझे चला लो भाई, मुझे क्या दिक्कत है, ओके ठीक, अब ठीक कह रहे हो, मैं इस पर भी सोच रहा हूँ, क्योंकि आपसे मैं कहूँगा आप अलॉट लेकर तो व्यवहारिक नहीं है, मैं ला सकता हूँ ऐसे जगह कॉमन प्लेस पे, तो मैं बाकी खर्चों में खर्चे भी ऐड करना है इस बार से, लेकिन ये नहीं कोई निकाल के रूम में चला जाए। और डांटने पर बोलते हैं सर बहुत मच्छर काट रहा था रात को, सॉरी सर। हाँ तो स्प्रे तो हो रहा है ना एक दिन, ठीक है, वो जैसे होटलों में नहीं बना होता है डेट, उस पर निशान मारना होता, मंडे को हुआ यस, ट्यूसडे को हुआ, वो बनवा देता हूँ आज ही, ठीक ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उनका इलाज करें, है ना। पालतू मच्छर हैं, पहाड़ी मच्छर हैं, ठीक। कल आए तो थे पकड़ने वाले, देखे नहीं? हाँ हम अपने लेवल पे सब कर रहे हैं भाई, तो इसलिए हम कल आए थे वो लोग, और उन पता नहीं उनको देख के भाग रहे थे बंदर, जनरली हम लोग भाग रहे होते हैं उनसे, उनको देख के भाग रहे थे वो,
हाँ ये ध्यान रखना है, शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है, ये हमारे काम का क्वेश्चन कि ब्राह्मण आपको याद रखने चाहिए, मतलब यार रटने पड़ेंगे आपको, अब कैसे रटेंगे आपकी जिम्मेदारी। मैंने कहा था कि आप लिखते रहेंगे धम्यवाल सर से क्या ट्रिक बनवाना, तो मैं इसका भी बनवा दूंगा, उनका मुझे आप बता के देना ट्रिक बनाने जिम्मेदारी मेरी, तो ऐसे ऐसे टॉपिक ढूंढने हैं, वो करते हैं 10 दिन में हिस्ट्री नहीं कहते हैं खत्म करा देंगे, तो इसी तरीके से करा सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ हमें दिक्कत करती है, बाकी चीज़ तो सबको पता है कि महाजनपद था, गुप्ता था और ये था, एग्जाम में अचानक आ गया एक 25 ब्राह्मण किसका, तो कन्फ्यूज, तो वो ट्रिक से करवाएंगे। उपनिषद 108 हैं और गुरु के समीप बैठ के हमने प्राप्त किए हैं, बृहत्तर उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, छंदों के सॉरी बृहद उपनिषद सबसे बड़ा, मुंडको मांडू के सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए, मुंडको से, तो जो दूसरा है मांडुक्य वो सबसे छोटा है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, समझ पाए, मुंडको अलग है मांडुक्य अलग है, मुंडको से सत्यमेव जयते लिया गया है, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद, बृहद उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद, ये मतलब है। रामायण वाल्मीकि ने लिखा है, इसे आदि काव्य भी कहते हैं, सबसे पुराना महाकाव्य है। देखो ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था कि कितने कांड हैं, 7 कांड है, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा, कितने पर्व हैं, 18 पर्व, वही हिस्सा चैप्टर भाग 18 दिन चला था, जो उन्होंने स्पीच दिया था है ना, लेट के जो कर रहे थे वो, या लड़ाई 18 दिन चली थी, 18 दिन चला था, अच्छा ठीक। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, शांति पर्व, पुराण 18 पुराण, मत्स्य पुराण था ओल्डेस्ट पुराण, हाँ ये वाला आता है एग्जाम में आपसे कि कौन सा वेदांग है कौन सा नहीं है, तो ये आपके और किस लिए फेमस है, निरुक्त से हमें क्या सीखते हैं, व्याकरण से क्या सीखते हैं, ज्योतिष से क्या सीखते हैं, कल्प सूत्र से हम क्या सीखते हैं, ये हमारे लुसेंट में है और ये रटना होगा, ध्यान रखना, हाँ 6 है, हाँ मैंने 7 बोल दिए थे क्या, 6 ही है, हाँ। अब जैसे शिक्षा फोनेटिक्स के लिए, व्याकरण ग्रामर के लिए, चंद पोएटिक निरुक्त इटमोलॉजी के लिए, और कल्प रिचुअल्स ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी ये दिया हुआ है, ऋग्वैदिक लोग इतने हिस्सों में ही हैं, बाद में लेटर वैदिक में वो विस्तार करते चले जाएंगे, वेस्टर्न यूपी तक पहुंच जाएंगे। जब शुरू में आए हैं तो ये सिर्फ किस तरीके से कबीले के रूप में, बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इन्होंने आपस में थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करके अपने बीच का एक राजा चुन लिया और कहा कैसा करो, हम तुमको पैसा देंगे, तुम सैनिक रख के हमारी सुरक्षा कर देना, लेकिन वो किस रूप में था, बलि के रूप में, मतलब देना कंपलसरी नहीं था, बाद में धीरे धीरे वो सिस्टम बनता चला गया और वो कंपलसरी होता चला गया। क्योंकि हमने चुना था इसलिए अभी उसके पास पूरा पावर नहीं था, कुछ लिमिटेड पावर हमने दिया था, सभा और समिति 2 मेन पार्ट थे, सभा में क्या है स्मॉल असेंबली है जिसमें राजा के कुछ खास लोग ही रहेंगे, समिति में सभी लोग रहेंगे, तो एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए कैसे याद रखना है, सभा छोटा वर्ड है तो कम लोग होंगे, समिति ज़्यादा बड़ा वर्ड है, 3 वर्ड है तो उसमें ज़्यादा लोग होंगे, ऐसे याद रखना है, तो जो छोटा होगा वो राजा का करीबी होगा, जो बड़ा होगा वो सबसे करीबी नहीं हो सकता, तो इस तरीके से याद रखना है। जैसे ध्यान से देखो, पार्लियामेंट होता है फिर उसमें मिनिस्टर होते हैं, तो पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा लोग, मिनिस्टर में कुछ ज़्यादा लोग, फिर होता है
कैबिनेट मिनिस्टर, थोड़े से लोग, और फिर होता है किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट जो बिल्कुल खास होते हैं, जो मोदी जी के साथ कभी भी खाना पे बैठ सकते हैं, अमित शाह बस। योगी जी बहुत, मतलब हमें रिस्पेक्ट है, लेकिन वो थोड़े सेल्फ सेंटर्ड है, तो सेल्फ सेंटर्ड आदमी बहुत ज़्यादा खुलता नहीं है पॉलिटिकली, वो जरूरी है क्योंकि जो सबसे खुल जाएगा तो फिर राज नहीं कर पाएगा, लेकिन वो तो इसलिए उनके बहुत खास में है। अब देखा करें कई वीडियो आउट हो जाती है तो उसमें देखते हैं, धमका देते हटो कैमरे के सामने से, अभी पहले मेरा दो तीन बार ले लें दो रिटेक ये। समिति हमने बता ही दिया, ब्राह्मण बता ही दिया, क्षत्रिय हम बता ही चुके हैं, वैश्य बता ही चुके हैं, शूद्र बजा चुके हैं, राजन हम सीख चुके हैं, पुरोहित जो उनका मेन होगा, सेनानी जो सुप्रीम कमांडर होगा, चरियाट समझ रहे हैं, अर्ली वैदिक पीरियड यूनिट, हाँ सबसे छोटा यूनिट है कुल, है ना, और उसके हेड को हम कहेंगे कुलप, कुल से किससे मिलके क्या बनेगा ग्राम, ग्रामीणी, है ना, फिर क्या होगा विश, थोड़ा बड़ा तो उसका विश्वपति, फिर जन गोपल या जनपति, और फिर राष्ट्र का राजन, तो छोटा छोटा ये क्रम चल रहा है, तो हमसे जनरली कुल का पूछता है और जन का पूछता है, बाकी तो पकड़ लेते हैं एग्जाम में, समझ पा रहे हैं, कुलब भी पकड़ लेंगे लेकिन यहीं गड़बड़ा देते हैं, तो गोपति और गोपाल, या गोपाल नहीं गोपा है, ये ऑब्लिक है, हाँ ये सब जानने की जरूरत नहीं है। शुरू में क्या है ऑप्शनल है, जो योग्य होगा उसको बनाएंगे, नहीं बाद में हमने राजा के बेटे को राजा बनाना शुरू कर दिया। सभा समिति में महिलाएं भी हिस्सा ले सकती थी, हर वो अधिकार है जो एक सामान्य व्यक्ति को अधिकार, अर्ली सोसाइटी इनकी एक आइडियल सोसाइटी है, लेकिन सोसाइटी कैसी है, पेट्रियोटिक है, पितरात्मक, आज भी हमारा सोसाइटी पितरात्मक ही है, ठीक, लेकिन महिलाओं को सम्मान है, मैंने ऐसा नहीं कि उनको विचारों को नहीं सुना जाएगा। आज भी जो घरों में पूजा पाठ होता है देखा करो, मम्मी पापा दोनों बैठते हैं, पति पत्नी दोनों बैठ रहे होते हैं, वो इसी परंपरा को लेकर चल रहे हैं। सोशल लाइफ बहुत ही अच्छा है, वुमेन इंपॉर्टेंट है, मोनोगामी है, है ना, एक एक ही विवाह हो रहा है, एजुकेशन सबके लिए, महिला पुरुष सेम, छत्री ब्राह्मण किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाइल्ड मैरिज नहीं है, विडो मैरिज अलाउ है, सती सिस्टम नहीं है, मतलब एक आइडियल समाज में जो कुछ हो सकता था सब है, बाद में लेटर वैदिक आते आते थोड़ा ड्रामा शुरू हो जाएगा, कास्ट सिस्टम वर्ण सिस्टम आना शुरू होते चला जाएगा। गाय के मांस पर प्रतिबंध है, गाय पूजनीय है, गाय ही उनकी यूनिट है, इकाई है संपत्ति की, हाँ महिला है उस समय की योग्य है, गार्गी है, लोपा मुद्रा है, ऐसे कई सारी महिलाएं। इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा होगा, तो मैंने कहा कि पशुपालक समाज है, तो जिसके पास ज्यादा पशु वो ज्यादा अमीर, अभी भी देखोगे कुछ कुछ ट्राइब में तो जिसके पास ज्यादा गाय या ज्यादा भेड़ है उसका रिस्पेक्ट ज्यादा है और उसकी शादी में उसको ज्यादा दहेज मिलेगा और दहेज में भी भेड़ ही मिलेगा, तो ये तो वो सोसाइटी वैसी है। जैसे अभी हमारे लिए क्या है, ध्यान से देखो, पैसा ही तो है, तो पैसा क्या है, एक यूनिट है आज के डेट में, कल होकर जब कौड़ी था तो कौड़ी हुआ करता था, आने वाले समय में कोई बालक आया है गुरुकुल में बता रहा था कि कौन सी करेंसी चल रही है आजकल, क्रिप्टो, कहा सर 50 साल बाद सब बंद हो जाएगा, इसलिए मैं आज से ही कर रहा हूं सेलिंग परचेज ट्रेडिंग, 10-15 लाख नीचे आ गया है घर वाले अलग परेशान, तो
तो मैंने पूछा कि कर क्यों रहे ऐसा, तो बहुत अच्छे से समझा रहा था। हाँ बता तो रहा था कि सर मैंने 2.5 लाख का खरीदा था, उसका प्राइस बढ़ बढ़ के सर 53 लाख है कुछ हो गया था, फिर मैंने 5 लाख का और खरीदा तो फिर उस 100 करोड़ या कुछ बढ़ गया, और फिर बाद में एक दिन हुआ 0, मतलब वो सर्वाइव ही नहीं किया, गायब हो गया वो। खैर कैसे हैं ये, तो पशुपालक समाज है, इनका मेन यूनिट क्या है, गाय है। तो ध्यान से देखो, जो रिच व्यक्ति है वो क्या है, गोमत, है ना। आज अमीर व्यक्ति को क्या कहेंगे, धनपति, है ना, ऐसी तरीके से धन्ना सेठ। फूड ग्रेन्स को गोधम, मैंने सब कुछ उसी के आसपास घूम रहा है, गोधुली। लड़ाई भी जो हो रही है गाय के लिए हो रही है, डॉक्टर को दोहत्री कह रहे हैं, गेस्ट को गो घना कह रहे हैं, क्यों आएगा गेस्ट आएगा तो गाय को, जैसे रोमिला थापर ने लिखा है कि गाय को नहीं खाते थे, लेकिन विशेष अवसरों पर जब अतिथि आता था तो उसके लिए काटते थे। हालांकि इस पर मतभेद है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये वैदिक विचार से बिल्कुल अलग हो जा रहा है। जो भी हो, टाइम गोधुली, आज भी कई बार गोधुली कहते हैं 4 बजे को, गोधुली बेरा गांव में कहते हैं इस तरीके से। सभी प्रकार की जानकारी इनको, लोहे की जानकारी नहीं है, सोने तक की जमकर जानकारी, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं। रिलीजन क्या है, हर उस चीज को इन्होंने रिलीजन का दर्जा दे दिया जिससे इनको शक्ति प्राप्त होती थी, जो इनके लिए मदद करता था। प्रकाश मिल रहा तो सूर्य को, जीवन के लिए वायु मिल रहा तो वायुदेव, है ना, अग्निदेव। तो इसको कहते हैं, एक वर्ड होता है इंग्लिश में, नेचर को जब पर्सनिफाई कर देते हैं, कोई बात नहीं आप लोगों को, हाँ नहीं, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है जिसमें हर चीज में ईश्वर दिखता हो, पर्सनिफिकेशन तो रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से, वही पूछ रहा हूँ, नेचर पर्सनिफिकेशन को क्या कहेंगे। नींद पूरी लेनी है दोस्त, कोई बात नहीं होता है, ठीक है याद करना। ऋग्वेदा वाले को हम क्या कह रहे हैं, होता, यजुर्वेद वाले को अर्धवायु, सामवेद वाले को उद्गाता, और ब्रह्मा इज द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द अथर्ववेदा। हाँ सब ज्यादा किसका जिक्र है, इंद्र का, कितने बार, 289 टाइम्स। अग्नि का 218 बार। तो मैं आपसे एग्जाम में पूछूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण 2 देव कौन है, तो अग्नि और इंद्र है, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आता। वरुण को हमने गॉड ऑफ वाटर के रूप में कितनी बार, 46 टाइम। वायु, तो हमने डिटेल नोट्स बनाया था, आपको इतना जरूरत नहीं है। यम आज भी आते हैं हमें आपको ले जाने, यम है यम। सोम, विष्णु, हाँ। लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा सा देवताओं का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वहां विष्णु बहुत कम वैल्यूएबल थे, वज्रपति था ही नहीं, लेकिन यहां पर मेन प्रजापति ही हो जाएगा। हाँ अब जो पूजा पाठ के तरीके होंगे थोड़े से बदलने लगेंगे, कर्मकांड कम होने लगेगा। क्यों, अब क्या होने लगे, उपनिषद आने लगे, तो लोगों के पास अब लॉजिकल बातें होने लगी। तो मैंने उस दिन भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, पशु ज्यादा थे
हम पशुपालक थे, इसलिए हमने क्या किया, यज्ञ के थ्रू पशुओं की संख्या कम करनी शुरू की बलि के नाम पे, ताकि पृथ्वी पर पशुओं की संख्या मानव से ज्यादा तेजी से बढ़ती है, तो मानव रह पाए, इसलिए उन्होंने एक साइंटिफिक लॉजिक ढूंढा। लेकिन अब क्या, खेती की तरफ मूव कर रहे हैं, तब हमें पशुओं की जरूरत है, तो हमने पशु हिंसा पर रोक लगाने की बात करनी शुरू कर दी। तो वही कह रहे हैं कि रिचुअल्स हमारे बदलते चले गए। अब जो परंपरा है वो क्या होती जा रही है, हेरिडिटरी होती चली जाएगी। अब कुछ नए पद भी आ जाएंगे, क्योंकि अब पूरा राजतंत्र बन जाएगा, अब पूरा सिस्टम बनने लगेगा, और उन सिस्टम के तहत टैक्स देना कंपलसरी हो जाएगा, राजा का आज्ञा मानना कंपलसरी हो जाएगा, सिस्टम को रेगुलेट करना कंपलसरी हो जाएगा। फिर देखो, कुल कुलब ग्राम ग्रामीणी विश्व विश्वपति जना गोपा और राष्ट्र, ये हो चुका है। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ चीजें हमें तुलना कर लेना है। लेटर वैदिक तक आते आते अब हमारे पास थोड़े बड़े बड़े जनपद बनने लगेंगे, बाद में वही महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तुलना कर लो, यहां पर क्या है, राजा का पद हेरिडिटरी नहीं है, लेकिन यहां पर हेरिडिटरी हो जाएगा। यहां पर क्या है, उसके पास जो भी कुछ मिलेगा वॉलंटरी मिलेगा बलि के रूप में, यहां पर वो कंपल्सरी कर देगा टैक्स को। सभा समिति का एक बड़ा रोल होगा, यहां पर विदत आ जाएगा, एक सभा समिति के बजाय एक विदत वर्ड भी आ जाएगा, जो राजा को मेन सजेशन दे रहा होगा, मतलब अब राजा खुद अपने हिसाब से करेगा, इन लोगों का रोल कम करता चला जाएगा। अभी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो लिमिटेड है, कोई दिक्कत है नहीं, लोगों की सहमति से यहाँ पर इफेक्टिव हो जाएगा। मैं आपसे पूछ के नहीं काम करूंगा, मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, पूछने लगूंगा तो खत्म ही नहीं होगा। किंग्स पोजीशन वाज रिचुअलाइज, नॉट रिचुअलाइज, मतलब सिंपल है, यहाँ पर रिचुअलाइज किया जाएगा और उसको सर्वोपरि दिखाने का प्रयास कराया जाएगा। कई सारे यज्ञ होंगे, राष्ट्रीय यज्ञ में घुड़दौड़ होगा, और राजा को ही जिताना है ताकि राजा की वैल्यू बनी रहे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होंगी। यहां पर एनिमल होगा, एग्रीकल्चर सेकेंडरी होगा, यहां पर एग्रीकल्चर प्राइमरी हो जाएगा, एनिमल सेकेंडरी हो जाएगा, यहां पर कैटल ही मेन सोर्स होंगे, यहां पर भूमि शुरू हो जाएगी तो भूमि का रोल बढ़ जाएगा, यहां पर ट्रेड व्यापार का बहुत सारा सोर्स है, लेकिन अब यहां पर उसके बजाय भी हमारे पास ऑप्शन आने लगेंगे। पोल्ट्री और इस तरीके का स्किल होगा, यहां पर कुछ इंटेलेक्चुअल भी हम कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ये गांव में है, ये थोड़े थोड़े शहरों की तरफ मूव कर रहे होंगे। एग्रीकल्चर प्राइमरी है, यहां पर भी प्राइमरी है, लेकिन अब थोड़े से फसलों की संख्या बढ़ेगी, वही जो भी पीछे पड़ा। बेसिक डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये सब क्या है, ऑप्शनल कैटेगरी में, लेकिन यहाँ बाय बर्थ हो जाएगा, सब कुछ मानना ही होगा। द्विज एक परंपरा होती है, शिक्षा के लिए जाएंगे तो आपका क्या बोलते हैं, ब्राह्मण कोई हो आप में से, कौन सा पूजा होता है, तो उस समय तीन ही जातियों के लिए होती थी, शुरू में चारों जातियों के लिए, बाद में तीन के लिए हो गए, त्रयी कह दिया गया उनको, यानी शूद्र को हटा दिया गया, शिक्षा से वंचित कर दिया गया, यानी द्विज का अधिकार उसको नहीं दिया गया। यही सब चीजें इसके लिए एक प्रॉब्लम हो गई, जो चीज अच्छे के लिए शुरू हुई थी बुरी हो गई। ध्यान से देखो, बाल विवाह शुरू हो गया, विधवा मैरिज मना कर दिया जाएगा, ध्यान से देखो दोनों उल्टा हो गया, तब बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह था, यहां बाल विवाह अलाउ कर दिया, विधवा विवाह बंद कर दिया। हाँ, गोत्र सिस्टम कंपलसरी कर दिया, गोत्र समझते होंगे, आज भी गोत्रों में शादी नहीं होती, तो यहीं से ये बार बार पूछता है क्वेश्चन, ये गोत्र सिस्टम कब आया, तो वैदिक काल से ही। अश्वमेध यज्ञ आप जानते हैं, घोड़ा जहां जहां से गुजरेगा
वो हिस्सा राजा का हो जाएगा, किसी को विरोध है घोड़े को पकड़ेगा, लड़ाई होगी, वो जीत गया तो ठीक है, हार गया तो उसका राज्य ले लिया जाएगा। राजसूय यज्ञ यहाँ पर राजा को सर्वश्रेष्ठ साबित करना था, हर चीज में बलशाली, कुश्ती लड़ेगा, ये दौड़ेगा, हर चीज में जीतेगा वो। हाँ वो साउथ का हीरो था, अच्छा ये पता है ना अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा लास्ट में होता था उसको बलि दे दी जाती थी। हाँ लास्ट में जो घोड़ा घूम लिया सब जगह, कहा तुमने बहुत मेहनत किया लाओ। यहाँ भी देखो राजा सात घोड़ों के साथ दौड़ेगा, उसमें भी वो जीतेगा, जीत के बाद उसकी पत्नी उसका सम्मान करेगी, वहां पे लोग ना मतलब पार्टी करेंगे। हाँ इससे भी लास्ट ईयर TCS ने क्वेश्चन पूछ लिया, 8 प्रकार के विवाह हैं, तो पूछा असुर विवाह कौन सा है। तो अब चेक करते हैं कि आप लोग असुर विवाह करेंगे या कौन सा विवाह होगा, राक्षस विवाह करेंगे। ठीक है ब्रह्म विवाह, मैरिज ऑफ अ गर्ल विद अ बॉय द सेम वर्णा विद द वैदिक रिचुअल्स एंड रिचुअल्स। आप लोग का 99% यही होने वाला है कि माता पिता आपके उपयुक्त वर वधु ढूंढ देंगे, वधु ही ढूंढेंगे और आपका विवाह हो जाएगा। देव यज्ञ जो उनके पुजारी हैं उनके साथ ही अपनी बेटी का विवाह कर देना। अर्ष विवाह जहां पर पिता दहेज लेकर के अपनी पुत्री को दे देता था, एक मतलब औपचारिक है। प्रजापत्य विवाह बिना किसी दान दहेज के हम कर लेते थे। असुर विवाह, असुर विवाह क्या है, कन्या के पिता के द्वारा पैसे लेकर के कन्या का विवाह करना। गंधर्व विवाह जो भी आप करेंगे है ना, लव मैरिज इसको कहते हैं। राक्षस विवाह कन्या का अपहरण कर लेंगे और जबरदस्ती शादी कर ले। पिशाच विवाह सोती हुई कन्या के साथ कुछ इस तरीके का फालतू काम करे तो मजबूर होकर घर वाले शादी कर दे। तो शुरू के चार को हमने एक अच्छा विवाह माना है, बाद के चार को हमने अच्छा विवाह नहीं माना, यानी सोसाइटी के द्वारा ऊपर के चार को एक्सेप्ट किया गया, नीचे के चार को उचित नहीं माना है। गंधर्व विवाह भी सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल है। नहीं इन चार को आप लॉजिकली बहुत विरोध भी नहीं कर सकते, ये एक वैदिक परंपरा या एक बैलेंस है, ये चार को आप लॉजिकली एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। ये हम बता चुके हैं ऋग्वेद आयरन। हाँ यहाँ पर एक बड़ी बात क्या होगी, आयरन की खोज हो जाएगी, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये जगह जगह माइग्रेट हो रहे हैं, ये सेटल होते चले जा रहे हैं, ये पशुपालक है, ये एग्रीकल्चर कर रहे, ट्राइबल है, राज्य हो जाएगा, वर्षिप प्रकृति को कर रहे, नेचुरल फोर्सेस को। यहाँ पर कुछ खास देवताओं को, मेन देवता यहाँ पर प्रजापति हो जाएंगे। कलर जो है अनटचेबल इस तरीके की चीजें नहीं है, यहाँ पर अनटचेबिलिटी धीरे धीरे एंट्री मार जाएगी। सब संदर्भ प्रदेश में ये इंडो ग्रीक एरिया में वेस्टर्न यूपी वाले तक पहुंच जाएंगे। वुमेन सभी चीजों में हिस्सा लेगी, विदा तब डिसाइड करेगा और वहां पर महिलाओं की उपस्थिति अब्सेंट कर दीजिएगा। राजन होंगे, राजा राष्ट्र राज्य बड़े बड़े पद आ जाएंगे, यहाँ बलि होगा, यहाँ टैक्स होगा, इस तरीके बेसिक रिफरेंस यही है पूरी कहानी। इतने देर में यदि हम इंसर्ट में भी इसको करें तब भी बात बन जाएगी। ऑक्यूपेशन और ये सब हो गया, 10 मिनट वैसे मैं भी थक गया हूँ, ये बोरिंग काम है, तो इसके आगे वाला कल करेंगे। MCQ जो हमने पढ़ाया उसमें से किसी का कुछ क्वेश्चन हो, हमने बहुत आराम आराम से करवा दिया है, बस शर्त यह है कि बुक लेके बैठा करें ताकि आप उसी में निशान लगा पाएं, अंडरलाइन कर पाएं। या इससे अच्छा क्या है कि एक दिन पहले ही पढ़ के आए ताकि हमारे लिए बड़ी इफेक्टिव हो, और मैं जब बात करूँ तो आप कन्वर्सेशन कर पाएं, डिस्कस कर पाएं, तो फायदा होगा। पर्पज क्या है इस पूरी क्लास का, पर्पज है कि आप अपने से नहीं कर पाते 1.5 घंटे में, तो बस मुझे आपको रिकॉल करवाना है। लेकिन पहले भी बोला है हम में से सभी लोग वही हैं जिन्होंने पहले क्लास की है, कोई ऐसा नहीं होगा जो पहले नहीं किया, नहीं किया तो वो परेशान होगा। हल्का फुल्का भी किया हो लेकिन किया हो तो भी फायदा है। लेकिन आपको सजेशन है बैठिएगा जरूर क्लास में, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, शुरू में दिक्कत होगी मेरे साथ, उसके बाद आप मेरे साथ कंफर्ट हो जाएंगे।
हाँ मैं इसको लिखवाऊँ, इस पर चुटकुला बनाऊँ, कहानी बनाऊँ तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसका फायदा नहीं, टाइम बहुत लग जाएगा। तो जाएं और अपने अपने डायरी भर के डाउट टीचर चेक करवाएंगे। डायरी प्लीज डेली भरा करें, हमारे लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि मेरे से मीटिंग हो, मेरी आपकी प्रॉब्लम हो तो हम उसको दूर कर पाए। कई बार आप आते हैं बताते हैं सर, जैसे आज ही कोई आया कि सर अब मुझे मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, प्रीमियम मेरे 240 या 250 है, कमजोर बच्चा बालक था, तो मैंने कुछ उसको सजेशन दिया, लेकिन मैंने डायरी मांगी तो कुछ था ही नहीं। मैं कोई बताएं 10 दिन के बाद डायरी भरो और फिर मेरे साथ बैठो, तो ये हमें आइडिया लगेगा आखिर इस बच्चे का नंबर कट कहाँ रहा है। ऐसे तो अच्छी बात आप भी कर रहे हैं सर, सब कुछ आता है बस टाइम पे नहीं हो पाता है, यही कहते हैं ना सर, सब आ रहा है लेकिन जीएस में नहीं हो रहा है, लेकिन जब देखते हैं डायरी तो अच्छा मैथ में भी तो 27 ही को नंबर आ रहा है, नहीं उस दिन टफ था पेपर, तो ऐसे कोई फायदा नहीं। तो डायरी भरें, और वैसे एक सजेशन है 15-20 दिन बाद वैसे ही बैठ जाया कर मेरे साथ कि सर एक बार देख लो। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन आप अचानक बताते हैं सर नहीं यहाँ पे चीज लैकिंग था, तो हमारे दिमाग में हाँ यार ये चीज़ छूट रहा है। तो वैसे ही आपको मेरी ज़रूरत है, मैं बिजी रहूंगा, मेरी मजबूरी है, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, 300 एक कैंपस में, 200 दूसरी जगह, स्टाफ, बाहर का टेंशन, आपको मेरे से फायदा उठाना है सर, एक बार देख लो फिर फायदा है, आए भी आप इसी के लिए थे, तो आप छिपने और लगते हैं, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं कर देंगे, कोई फायदा नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। देखो पूछ रहा है सीजीएल का एडमिट कार्ड एग्जाम के बाद आता है क्या, मुझे कंफ्यूजन है। नहीं, रिजल्ट के बाद आता है दोस्त।